हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। दोस्तों 47 सम हम करने जा रहे हैं, 46 सम टोटल अब तक हमने कर लिए हैं। सो 47 सम दो मार्क के लिए ये रहा आपके सामने। सो दोस्तों, आपको बोला है उसने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो मतलब है पॉइंट पी क्या है? तो पॉइंट पी है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर, मतलब कुछ ऐसा है पॉइंट आपका पी और वो क्यू एंड आर से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, ये क्यू एंड आर से इक्विडिस्टेंट है। व्हाट इज क्यू? क्यू इज 2, -5 और आर क्या है आपका? -3, -6 और पी क्या है आपका? पी आपको उन लोगों ने रिलेशनशिप दिया हुआ है। आप एक काम करो, देखो यहाँ पे ओरली लिख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। मान लेते हैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ और वाई कोऑर्डिनेट वाई लिख देते हैं अभी फिलहाल, बेस्ट वही है, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सो आपका P का कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, और आपका Q का कोऑर्डिनेट उन लोगों ने दिया हुआ है 2, -5 और आपको R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -6। उसके बाद आपको रिलेशनशिप दिया है P के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, मतलब x इक्वल टू 2y, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी बोला कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो ये बाद में निकलेगा, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्स वाई में से कोई एक निकालना वैल्यू। सो सिंस आपका पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ। मुझे एक बात बताओ, अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर? समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ पे एज इन रूट डालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वैल्यू स्टार्ट करूंगा लिखना। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा -5 -y² +2 -x² -6 y² -3 x². ठीक है। सो यहाँ पे -5 माइनस कॉमन ले लो, दिस विल बी 5 +y² +2 -x² दिस इज इक्वल टू 6 -y² +3 x². समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको ऑलरेडी x इक्वल टू 2y बोला है उसने, तो आप क्या करोगे? चुपचाप वैल्यू डालो। किसका वैल्यू डालोगे आप? x का वैल्यू एज एन 2y डालोगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 -2y² इक्वल टू 6 -y² प्लस x की जगह पे क्या डालने बोला है? 2y² समझा? अब बहुत पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है 25 + 10y + y² गलती ना हो पाए 4 -8y + 4y² दिस इज इक्वल टू 36 - 12y + y² +9 + 12y + 4y², ठीक है। अच्छा, 4y² कट जाएगा, y² से कट जाएगा, बचेगा क्या? कुछ कहीं से कुछ कटाकुट हो रहा है? नहीं होगा, कहीं से कुछ कट नहीं रहा है। सो आपको आगे एज एन सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, मैं जो y वाले टर्म है लेफ्ट में लिखूंगा, कॉन्स्टेंट वाले राइट में डाल दूंगा, ठीक है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 10y ये वाला टर्म, फिर -8y लेफ्ट में ही रखना है ये, उसके बाद +12y इसको लेफ्ट में लेके आया, -12y इक्वल टू 9 + 36 - 4 - 25, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 - 8 इज इक्वल टू 2y इक्वल टू, अच्छा अब यहां से बहुत ध्यान से देखना हमको, 36 + 9 = 45 - 29, सो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 45 में से अगर 29 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 16। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 16/2 मतलब 8 एंड x इज इक्वल टू 2 × y विच इज इक्वल टू 2 × 8 मतलब 16, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। So therefore coordinates of किसका point P कितना हो जाएगा? 16, 8। समझ में आया?
सो आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कम्युनिकेट करेगा। सो इसी तरह के और सम करेंगे हम, बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे वीडियोस आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी नोटिफिकेशन बेल दबाने के साथ साथ, ठीक है। सो इसी तरह के और हम सम्स करेंगे। प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, ठीक है। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।